ब्रिस्बेन हेड वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में इस बीबीएल का 22वां मुकाबला खेले जाने वाला है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग इस वाले मुकाबले की ड्रीम इलेवन के ऊपर टीम बनाने की भी सोचेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा रहेगा। मतलब इतने सारे लोग आपके साथ में टीमें बना के चलेंगे। अब इतने सारे लोगों के कंपटीशन को अगर आपको पार करना है तो यहाँ पे आपको यूनिक टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी भी है। अगर यहाँ पे आपकी टीम यूनिक नहीं होती है तो भाई यहाँ पे इतने सारे कंपटीशन के अंदर ही रह जाती है और इतने सारे कंपटीशन से बाहर भी नहीं निकल पाती है, क्योंकि यूनिक टीम बनाने के लिए हमको काफी सारे यूनिक खिलाड़ी भी लेके चलना पड़ता है। और काफी सारे लोग यहाँ पे जो गलती करेंगे वो यही करने वाले हैं, वो केवल हाई सिलेक्शन परसेंटेज खिलाड़ियों को लेके चलेंगे और सीवीसी जो बनाएंगे वो भी हाई सिलेक्शन परसेंटेज खिलाड़ियों को ही बनाएंगे। लेकिन ये चीज आपको भली बात ही पता है कि भाई जो भी टीम रैंक बन पाती है तो उसकी टीम कितनी ज्यादा डिफरेंट होती है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको यूनिक टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इस वाले मुकाबले की आपको यूनिक टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी यूनिक टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है, और इन सभी खिलाड़ियों में से आपको कौन से खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना है। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि ब्रिस्बेन हेट अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको तीन ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें भी बना के बताने वाला हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस वाले मुकाबले की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसके अंदर मैंने आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भी चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना। बाकी फिलहाल हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए फिक्स प्लेयर कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको जोस फिलिपी देखने को मिल जाएंगे। ये आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे जिनको आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में लेके चलना चाहिए। इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको विंस देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे। स्लिक देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे। दो खिलाड़ी यहाँ से फिक्स होने वाले हैं, बाकी जो भी खिलाड़ी है इनको आप छोड़ सकते हो। बाकी आपको अगर लेना भी होगा तब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेनरी क्यूस देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे। नेसर भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे, एडवर्ड्स भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे और वल्टर भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे। यहाँ से भी ये चार खिलाड़ी फिक्स होंगे जिनको आपको अपनी टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी इनके साथ में अगर कोई लो परसेंटेज खिलाड़ी लेना होगा तो वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में आओगे यहाँ पे आपको ब्रेटलेटी देखने को मिल जाएंगे और ब्रिड देखने को मिल जाएंगे। दो खिलाड़ी यहाँ से फिक्स होने वाले हैं। बाकी लगभग मैंने आपको सारे सेक्शन से बता दिया कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। बाकी अब मैं आपको तीन ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें बना के बता देता हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करने वाली है। तो पहली टीम हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ब्रिस्बेन हेट अगर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको आना है विकेट कीपर वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको जोस फिलिपी को लेके चलना है। बाकी जो भी खिलाड़ी है मैं फिलहाल यहाँ पे ड्रॉप आउट करके ही चल रहा हूँ। और इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको विंस को लेके चलना है और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको स्लिक देखने को मिल जाएंगे। ये दो खिलाड़ियों को आपको बैटिंग वाले सेक्शन में लेके चलना है। बाकी इसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको हेनरी क्यूस को लेके चलना है, नेसर को लेके चलना है, एडवर्ड्स को लेके चलना है और वल्टर को लेके चलना है। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको ये चार खिलाड़ी लेके चलना है। बाकी इसके बाद नीचे जो भी खिलाड़ी है आप यहाँ पे ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम ब्रेटलेटी को लेके चलेंगे, ब्रीड को लेके चलेंगे और यहाँ पे एक लो परसेंटेज खिलाड़ी कोनामन को भी लेके चलेंगे। यानी कि तीन खिलाड़ी हमारे पास ये खिलाड़ी होंगे बॉलिंग वाले सेक्शन में। फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्विपशॉन को भी लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये चार खिलाड़ी हमारे पास बॉलिंग वाले सेक्शन में होने वाले हैं। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में ओनली फॉर एक खिलाड़ी को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में दो खिलाड़ी को लिया है, ऑलराउंडर से चार खिलाड़ी को लिया है और चार खिलाड़ी बॉलिंग वाले सेक्शन में भी लिया है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन एकदम बैलेंस तरीके से होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके अंदर बॉलर भी काफी जबरदस्त है और बैट्समैन भी काफी जबरदस्त है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर आपको रिक्सी तरीके से सीवीसी क्रिएट करना है तो भाई हेनरी क्यूस को आप कैप्टन बना के चल सकते हो और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो वल्टर को भी बना सकते हो। ये दो खिलाड़ी भी सीवीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी खिलाड़ी कौन से लेके चलना है अपने कॉम्बिनेशन में और कौन से खिलाड़ी को सीवीसी बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये पहला कॉम्बिनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग का दूसरा कॉम्बिनेशन भी बना के बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि सिडनी सिक्सर अगर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। तो यहाँ पे इस वाली टीम के अंदर हम दो खिलाड़ी लेके चलेंगे विकेट कीपर वाले सेक्शन में। बाकी इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम कॉलन मुनरो को लेके चलेंगे, जे विंस को लेके चलेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्लिक को लेके चलेंगे। यानी कि तीन खिलाड़ी बैटिंग वाले सेक्शन में लेने वाले हैं, चार खिलाड़ी हम वही वापस लेके चलेंगे जो कि पिछली टीम के अंदर हमने लिया है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम स्विपशॉन को लेके चलेंगे, बर्टलिटी को लेके चलेंगे, दो खिलाड़ी यहाँ से लेके चलेंगे। बाकी हमारा जो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने विकेट कीपर वाले सेक्शन में दो खिलाड़ी को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में तीन खिलाड़ी को लिया है, चार खिलाड़ी वही वापस यहाँ पे लिए हैं और दो खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पे
हमने बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो कैप्टन रहेगा वो यहाँ पे वोल्टर रहने वाले हैं और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए मुनरो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दो खिलाड़ी भी सीवीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आप कुछ इस तरीके से भी सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी ये दूसरा कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको ग्रैंडली का तीसरा कॉम्बिनेशन बना के बता देता हूँ। अब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा काफी ज्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बॉलर काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो पहला जो खिलाड़ी हम लेके चलेंगे स्विफ्ट शॉन को लेके चलेंगे, इसके बाद बैटलेटी को लेके चलेंगे, ब्रीड को लेके चलेंगे, इसके बाद यहाँ पे ड्वार्शिश को भी लेके चलेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कुनामन को लेके चलेंगे। यानी कि ये पांच खिलाड़ी हम बॉलिंग वाले सेक्शन में लेने वाले हैं। इसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो ये चार खिलाड़ी आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आप मुनरो को लेके चल सकते हो और यहाँ पर जोस फिलिपी को लेके चल सकते हो। तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि भाई काफी ज्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन भी है। अब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कब काम आएगा, जब दोनों टीमों की तरफ से काफी अच्छी विकेटें निकलेगी तब आप कुछ इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बना के चलते हो तो भी भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमने बैटिंग वाले सेक्शन में ज्यादा खिलाड़ी नहीं लिए हैं, विकेट कीपर वाले सेक्शन में भी ज्यादा खिलाड़ी नहीं लिए हैं। जो भी खिलाड़ी लिए हैं वो हमने यहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलिंग वाले सेक्शन में ही लिए हैं। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी की बात की जाए तो भाई कैप्टन आप बना सकते हो बैटलीट को और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो हेनरी क्यूस को भी बना सकते हो। ये दो खिलाड़ी सीवीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर। तो आप तीसरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बना के इनको सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी आपको ही पता है कि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन जरूर से बनाना ताकि उनमें से एक ना एक कॉम्बिनेशन आपका अच्छा खासा रैंक भी हो जाए। बाकी अभी जो मैंने आपको तीन कॉम्बिनेशन बना के बताए हैं कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।